नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंस इंडिपेंडेंस में। आज हम आपके लिए एक ऐसे लुटेरे भूत की दास्तान लेकर आए हैं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 300 साल पुराने एक लुटेरे भूत ने एक महिला से शादी कर ली थी और अब उसने किस वजह से तलाक ले लिया है, चलिए जानते हैं। 300 साल पुराने समुद्री डाकू भूत से शादी करने के बाद दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाली एक उत्तरी आयरिश महिला एक बार फिर खबरों में है। महिला ने अब इस बार खुलासा करते हुए बात कही है कि उसने अपने भूतिया लवर को तलाक देने का फैसला क्यों किया। साल 2016 में डाउ पैट्रिक की रहने वाली अमेंडा टीग ने अपने भूत पति जैक से शादी कर ली थी। महिला के अनुसार वह पहली बार 2010 में मिले थे जब जैक ने खुद को महिला के सामने लाया था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और शादी हो गई, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और अमेंडा रिश्ता तोड़ने की बात करने लगी। वह इस तरह से बात कर रही थी कि मानो भूत उन्हें मारने की कोशिश कर रहा हो। शादी के बाद जल्द ही अमेंडा की सेहत खराब होने लगी और उन्हें एहसास हुआ कि जैक उनकी एनर्जी खींच रहा है। अमेंडा ने बताया कि मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, मेरी जान जाते जाते बची, मुझे इमरजेंसी सर्जरी भी करवानी पड़ी। 46 वर्षीय महिला का इस सच्चाई से जल्द ही सामना हो गया। उन्होंने बताया कि जैक उनकी ऊर्जा खींचने वाला एक वैम्पायर था। महिला ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि जब कोई मरता है तो धरती के वातावरण में कुछ समय तक उसका रहना एक सामान्य बात है, लेकिन जब कोई बहुत लंबे समय तक धरती पर रुकना चाहता है तो उसे ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और उसी ऊर्जा के लिए जैक मेरा इस्तेमाल कर रहा था। अमेंडा के अनुसार जैक ने कभी अपनी मौत को स्वीकार नहीं किया था और इसलिए वो मेरे शरीर के जरिए दुनिया में रहना चाहता था। महिला के अनुसार मौत के करीब के अनुभव होने के बाद उससे लुटेरे भूत से शादी करने पर अफसोस होता है। गौरतलब है कि हॉलीवुड फिल्म सीरीज पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में एक जैक नाम का समुद्री लुटेरे की कहानी दिखाई गई है। तो ये थी एक ऐसे अनोखी और डरावनी लुटेरे भूत की दास्तान जिसे सुनकर आप भी दंग रह गए होंगे। ऐसी ही अनोखी खबरों के लिए बने रहिए सिंस इंडिपेंडेंस के साथ। मैं मोनाली आपसे इजाज़त लेती हूँ। हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही दिए गए नीचे बेल आइकन को भी टैप करें।